मैं थोड़ा सा आपको वक्त में पीछे लेकर मैं उस समय में ले जाना चाहती हूँ कि सचमुच में ऐसा था कि आप एक बार स्लोगन लिखने के लिए आपको नौकरी का इंटरव्यू देने चाहते थे, देने जाने वाले थे, लेकिन नहीं दिया क्योंकि क्योंकि आगे का आप बताएं मुझे प्लीज। कौन सा? कई बार ऐसा हुआ कि मैं कई बार ऐसा हुआ आप है। किसकी बात कर मैं रहे आपकी हैं? पहली बार की बात कर रही हूँ। देखिए, एक काम जिसके लिए मैं नहीं गया, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो सेट पे डायलॉग वायलॉग लिख देता था, फिर मुझे डायलॉग लिखने का थोड़ा बहुत काम भी कुछ पिक्चरों में मिल गया, 20 सीन 40 सीन 50 सीन मैंने लिखे, एक आध पिक्चर में उस जमाने में मेरा नाम भी आया है, वन आई वॉज नॉट इवन 21 22 उस वक्त, तो एक हल्की सी रेपुटेशन कहीं हो गई थी। मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लेना मुनासिब नहीं है, गोस्ट राइटिंग करता था, उनके कॉमेडी सीन लिख जाता था तो कुछ पैसा मिल जाता था। तो मुझे एक बहुत बड़े राइटर ने बुलाया और उनका, देखो भाई मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ और स्टोरी लिखता हूँ, डायलॉग नहीं लिखता हूँ, तुम अगर डायलॉग लिखो मेरे लिए मैं तुम्हें 600 रुपये महीना दूंगा। ये बात है 60s की, और मेरे लिए जिसने कभी 200 रुपये महीना की तनख्वाह नहीं देखी थी, 600 रुपये ऐसा था कि लॉटरी लग जाएगी मेरी। मकान जिस कमरे में रहता था उसका 120 रुपये महीना किराया था, वो भी देना था, बाकी भी पैसे नहीं थे, तो ये 600 रुपये महीना का ऑफर बहुत ही टम्पटिंग था। जैसे कि आज आपको कोई 6 करोड़ रुपए का ऑफर दे, मगर मुझे ऐसा लगा कि इतना लुक्रेटिव ऑफर है ये और इतनी बड़ी तनख्वाह है कि ये मुझसे छूटेगा नहीं और मैं घोस्ट राइटर होके रह जाऊंगा। तो बावजूद इसके कि मेरा रोजी रोटी और कमरे के किराए का सवाल था, आई डिडंट गो, देखा जाएगा, ये काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू ऐसा करने के लिए। हाँ, मतलब उस वक्त तो सुसाइडल था लेकिन कर लिया। मतलब अगर हम उस 600 और 6 करोड़ की बात सोचते हैं यहां पर, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इस चीज से इनकार कर पाएंगे जी, और इसीलिए तकलीफ होती है अपना जो भी आपके प्रिंसिपल है, जो भी आप बिलीव करते हैं उस पे अटकना, उस पे रुकना, उसे मनवाना या खुद मानना आसान नहीं है, तकलीफ होती है, मुश्किलें पड़ती हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन बाद में बहुत इत्मीनान होता है कि हमने वो काम नहीं किया जो दिल नहीं कह रहा था। और दिल ने जो कहा वो सारे काम किए हैं आपने फिर आपकी। सारे तो ज़रा अच्छा, मेरे ख्याल से एग्जैजरेट हो जाए ये बात, नहीं सच बात है, कहीं कहीं आदमी टाल भी जाता है, मैंने भी ऐसा किया होगा, मैं दावा करूँ मैं जिंदगी में कभी मैंने ऐसा नहीं, वो बड़ी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर पर कुछ है जो याद रह गया कि ये करना था नहीं किया? ऐसा मुझे याद नहीं है, तो इसके मतलब कोई मेजर इशू तो नहीं था, लेकिन ये कि जहाँ तक मुझसे हुआ है, और ख़ास तौर से अगर सामने वाला कोई बहुत पावरफुल आदमी है या बड़ा आदमी है तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि मैं झुकूँ, कोई मामूली सा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन अगर वो लगे कि इसको तो आदत है झुका देने की, तो मैं नहीं भाई, ये अब आप ये उम्मीद न कीजिए मुझसे, भले कितना मेरा नुकसान हो जाए, और हुआ है, इट डजंट मैटर। अगर मैं कहूं कि आप साहित्य की फर्स्ट फैमिली से आते हैं तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन साहित्य में और जागीरदारी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि बाप मर जाता है तो पूरी की पूरी जागीर बेटे को मिल जाती है, लेकिन ये कि बाप अगर साहित्यकार है तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साहित्य उसे मिल जाएगा, वो तो भैया उसे खुद ही करना पड़ेगा, और करने के काबिल है तो कर पाएगा। ये ज़रूर है कि मुझे नहीं मालूम कि जेनेटिकली कितना होता है, लेकिन बहरहाल जैसे अपब्रिंगिंग कहते हैं, नर्चरिंग कहते हैं, उसका ज़िंदगी में बड़ा हाथ होता है कि आप जिस माहौल में पले बड़े हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि एक बिजनेस फैमिली का लड़का जो है वो नालायक जो है, जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि फैमिली का बिजनेस है, वो 14-15 साल की उम्र तक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना जान जाता है कि मेरे जैसे लोग तो 6 साल जाएंगे कॉमर्स कॉलेज तब सीख पाएंगे। उसी तरह मैं भी जिस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ, वहाँ लिटरेचर पोइट्री ये वो इतना था कि मैंने बिना कोशिश के 14-15 साल की उम्र तक जितना सीख लिया और जान लिया, वो कोई दूसरा आदमी जो किसी दूसरे माहौल का हो तो उसे तो वाकई किसी स्कूल जाके या टीचर रख के बरसों सीखना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज मुझे अपने एनवायरनमेंट का ज़रूर था, इसमें कोई शक नहीं। सुनकर तो ऐसा लगता है कि डांट भी शेर में पड़े और जवाब भी उसी में दिया जाए।
नहीं, डांट तो डांटी की तरह पड़ती थी, उसमें सब भूल जाते थे। पोएट्री मीटर में डांट मैंने आज तक नहीं खाई है और ना राइम में, लेकिन ये कि होता है। और फिर उनके, अगर आपके माँ बाप राइटर्स हैं तो फिर उनके दोस्त भी राइटर्स होंगे, तो फिर आप, वो लोग आपके घर में आएंगे, बैठेंगे या कभी ठहरेंगे, आप कहीं जाएंगे तो उन्हीं के यहाँ ठहरेंगे, तो चारों तरफ एक, कहीं बच्चे को, बच्चा वो नहीं करता है जो आप कहते हैं करने को, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। तो अगर घर में आप देखें कि किताब की इज्जत है, पोइट्री की इज्जत है, आर्ट की इज्जत है, संगीत की इज्जत है, तो उस वक्त आप भले बोरी हों, उस वक्त आप इंटरेस्ट ना लें, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट आपके माइंड में रह जाएगी। और कभी ना कभी बड़े होकर आप देखेंगे कि किस चीज़ की रिस्पेक्ट होती थी, वो है क्या, फर्क पड़ता है। अब आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बड़ा हो जाऊँ। जी, पूरे मेरा बचपन ही चल रहा है ना अभी तक। अच्छा, ये बड़ा होना है या पहले जवानी के दौर में आना है, या जवानी का दौर तो अभी भी चल रहा है जावेद साहब? नहीं, अब क्या है, खेल खत्म हो गया। सोसाइटी का हिस्सा होने के कारण कलम की वो ताकत जिससे लोगों के मन में जो था वो उसे व्यक्त कर सकते थे। जी जी, और हम ये कहें कि वो डायलॉग्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि कहानी वही रहती है, किरदार बदलते जाते हैं तो अपने किरदार को निभाने का तरीका भी बदलता है। देखिए, वो कहानी हो, स्क्रिप्ट हो, या आपके बच्चे हो, है क्या, एक बार आपने बना दिया, वो चले गए, आपका एम्बिकल कॉर्ड कट जाता है। उसके बाद जो 40 साल 50 साल पहले मैंने लिखा था उसका मैं क्रेडिट लूँ, वो ठीक नहीं है, इसलिए कि मैं अब वो आदमी भी नहीं हूँ जिसने लिखा था। एक, मैं भी बदल गया हूँ इतने वर्षों में, मतलब मेरा कोई थर्ड कज़न या फोर्थ कज़न था वो जिसने लिखा था, मैं इतना बदल चुका हूँ वक्त के साथ। अभी यहाँ मेरी बेटी यहाँ बैठी थी अंजना जी के साथ, अब वो फिल्में जो बना रही है तो उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, मेरी बेटी बना रही है, नहीं, वो अलग इंसान है। इसी तरह फिल्में भी अलग पर्सनैलिटी हो जाती हैं, वो आपसे अलग हो जाती हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है। अब शोले दीवार जो है, मैं जाके पूरा पूरा क्रेडिट लेता रहूं, गलत होगा। जिस आदमी ने वो सब लिखा था वो कोई दूसरा आदमी था, मैं कोई और हूं। लेकिन आपको फिल्में पसंद आती होंगी बहुत? आप लोग बड़े खुश हुए कि वो मैंने नहीं लिखा था। कमाल है। हाँ बोलिए। नहीं, उनकी फिल्में सबको पसंद आती हैं बहुत। जी जी, और आपने जो कहा ना कि उस माहौल में अगर रहो तो उस हिसाब का आप कुछ सीखते जाते हैं। अब बात है कि उसे आप व्यक्त करने के तरीके अलग ढूंढ लेते हैं, चाहे आपके बेटे हो, चाहे आपकी बेटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो मगर इम्प्रोवाइज भी होता है, ज़्यादा होता है। देखिए, आज आप जो है, आपकी ग्रैंड मदर और आप, बहुत कुछ कॉमन होगा लेकिन बहुत कुछ नया भी होगा। आप कहाँ से कहाँ आ गई हैं, खासतौर से लड़कियों में विद जनरेशन, आप देखिए कितना लीप एंड बाउंड में वो आगे बढ़ी हैं। तो ये असल में, मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूंगा कि बच्चों का आपने खेल देखा होगा कि एक कंकरी लेते हैं, उसे डोरी में बांधते हैं और फिर उसे घुमाते हैं और धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो दायरा बड़ा होता जाता है। ये डोरी क्या है? ये ट्रेडिशन है जो रोक रही है। वो कंकरी क्या है? वो रिवोल्ट है जो दूर जाना चाहती है। अगर आप डोरी को तोड़ देंगे तो कंकरी भी गिर जाएगी, अगर आप कंकरी हटा देंगे तो डोरी इतनी दूर तक नहीं जा सकती। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन और रिवोल्ट का जो तनाव है, वही हमारी ज़िंदगी को और हमारे समाज को और हमारी सोच को आगे ले जाएगा। अगर हम अपनी फाउंडेशन से बिल्कुल कट गए तो गिर जाएंगे, अगर हम में रिवोल्ट ही नहीं रहा तो भी गिर जाएंगे। दोनों चीज़ें चाहिए। और जिसकी मिसाल आप जैसी लड़कियाँ हैं, आप में दोनों चीज़ें, आप में ट्रेडिशन भी है और आप में रिवोल्ट भी है। दैट इज हाउ लाइफ विल मूव फॉरवर्ड। आपने कहा बहुत बदल गए, जो मतलब वो तीसरा चौथा पांचवा कजन होगा आपका जिसने वो डायलॉग्स लिखे। जी, पर आपको महसूस होता है कि बदलाव क्या हुआ है आप में? मैं आपको एक बात बताऊं, पागल खाने के काबिल होने की सबसे सिंपल तरकीब यह है कि आप अपने बारे में बहुत सोचना शुरू करें। मैं क्या हूँ, मैं कितना बदला हूँ, अजीब सा हो गया हूँ मैं तो, ये सब पागलपने की बात है। भाई, तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो, दुनिया पे कंसंट्रेट करो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है।
जितनी नॉलेज बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, अपने बारे में सिर्फ ये सोचो कि मैंने गलतियाँ क्या क्या की हैं, बस वो गलतियाँ ठीक करते रहो, अपने गुण के बारे में मत सोचो, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। देखिए, बात, बाल और चाल, ये तीन चीज़ें आप जितना बनाएंगे उतने बिगड़ेंगे। बात, बाल और चाल, अब आप आर्टिफिशियली चलना शुरू करें तो साफ दिखाई देगा, ये कैसे चल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कई लोग हैं जो चलते हैं। हाँ ठीक जी।